नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। झूठ और प्रोपेगेंडा परोसने के लिए कुख्यात एनडीटीवी के एंकर और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार एक बार फिर झूठ परोसते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उनके इस कुकृत्य के लिए उनके संस्थान को नोटिस भेज सरकार की ओर से लताड़ भी लगाई गई है और उन्हें सही और सत्य पत्रकारिता करने की नसीहत दी गई है। अपने आप को देश का सबसे गुणी, मूर्धन्य और सच्चा पत्रकार बताने वाले रवीश कुमार के झूठ की एक बार फिर पोल खुली है। वे रंगे हाथों प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़े गए हैं और उनकी इस पत्रकारिता के लिए उन्हें सरकार की ओर से लताड़ भी पड़ी है। दरअसल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में रवीश कुमार ने 14 जनवरी को अपने शो प्राइम टाइम में भारत सरकार के आंकड़ों को झुठलाते हुए आरोप लगाया कि कृषि उत्पाद खरीद के संबंध में सरकार गलत डेटा पेश कर रही है। रवीश कुमार के शो की इस क्लिप को किसानों ने हाथों हाथ लिया और सरकार को किसान विरोधी साबित करते हुए रवीश के प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया पर ठेलना शुरू कर दिया। लेकिन उनका ये प्रोपेगेंडा एक दिन भी नहीं चल पाया और सरकार की ओर से खुद बताया गया कि रवीश के कार्यक्रम में पेश किए गए ये आंकड़े सत्य से कोसों दूर है और महज प्रोपेगेंडा भर है। दरअसल रवीश ने अपने कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ट्वीट किए गए एक ग्राफिक्स का जिक्र किया था और कहा था कि साझा किया गया डेटा गलत है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 11 जनवरी को जो डेटा पोस्ट किया था उसमें जानकारी दी गई है कि 10 जनवरी तक भारत सरकार ने 534 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है MSP पर, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 423 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। इसलिए MSP जारी रहेगी। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP खत्म कर दी जाएगी, ये बातें मनगढ़ंत है, गलत है। रवीश कुमार ने इन्हीं आंकड़ों को अपने प्रोपेगेंडा के लिए आधार बनाया और शो में बताया कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक 2019-20 में कुल धान की खरीद 519 लाख मीट्रिक टन थी, 423 लाख मीट्रिक टन नहीं। इसलिए सरकार की ओर से दिखाई जा रही 26% की बढ़ोतरी सही नहीं है। प्रोग्राम में रवीश ने यह कहा कि या तो किसी ने भारत सरकार में गलती की है या गलत संख्या का इस्तेमाल कर झूठ फैलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि सरकार ने नहीं, रवीश कुमार ने डेटा में खेल किया था। रवीश ने पीयूष गोयल के ट्वीट की इमेज को क्रॉप किया जिसमें गोयल ने साफ तौर पर लिखा था कि डेटा 10 जनवरी तक खरीद के लिए है, लेकिन रवीश ने पूरे साल के डेटा को पेश करके इसे झुठलाने का प्रपंच रचा और सरकार को किसान विरोधी दिखाने के लिए खेल खेला। जब रवीश का यह खेल केंद्र सरकार की पकड़ में आया तो सरकार ने खुद इस पर संज्ञान लिया और NDTV के पत्रकार रवीश कुमार की और उनकी पत्रकारिता की निंदा की। सरकार ने पुष्टि की कि 10 जनवरी 2020 तक धान खरीद 423 लाख मीट्रिक टन थी और इसलिए यह बिल्कुल सही है कि उक्त अवधि में खरीद में 26% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने आगे रवीश कुमार के कार्यक्रम को घटिया पत्रकारिता और तथ्यों की अवहेलना करने वाला घिनौना प्रदर्शन भी कहा है। बता दें कि इस पत्र को प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से NDTV की आचार समिति को भेजा गया है। इस पत्र में समझाया गया है कि रवीश कुमार ने 2020-21 के लिए चल रही खरीद के साथ 19-20 के पूर्ण वर्ष की खरीद की अनुचित तुलना की है। इसमें यह भी कहा गया है पीयूष गोयल के ट्वीट को टीवी कार्यक्रम में क्रॉप किया गया था, जो दिखाता है कि एक गलत मानसिकता से किया गया कृत्य था। पत्र में लिखा गया है कि ऐसे संवेदनशील समय में जब किसान दिल्ली के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय रवीश कुमार ने महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है जो किसानों को भ्रमित करता है और समाज में नकारात्मक भावनाओं को उकसाता है। अब देखना होगा कि रवीश कुमार क्या अपने इस प्रोपेगेंडा के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं, क्या NDTV इस रिपोर्ट को अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हटाती है, क्योंकि ऐसी पत्रकारिता न सिर्फ रेमन मैग्सेसे जैसे अवार्ड की तोहीन है बल्कि राष्ट्र को भ्रमित करने वाली भी है, जिसके लिए रवीश कुमार को माफी तो मांगनी ही चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।